दोस्तों, इसी महीने भारत का आखिरी यानी कि 36वां फाइटर विमान भारत आने वाला है। भारत ने फ्रांस से 36 विमानों की डील की थी और अब तक 35 फाइटर विमान भारत पहुंच चुके हैं। वहीं भारत के आखिरी राफेल विमान को खतरनाक बनाने के लिए फ्रांस ने इसकी डिलीवरी रोक रखी थी, लेकिन इसकी डिलीवरी से पहले राफेल विमान के इंजन का निर्माण करने वाली सेफ्रॉन कंपनी की ओर से एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल फ्रांस अब पूरी तरह से भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजी से परिचित हो चुका है, इसीलिए सेफ्रॉन कंपनी चाहती है कि वह भारत की पीटीसी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर M88 इंजन के कंपोनेंट का निर्माण करें। आपको बता दें कि M88 इंजन का उपयोग राफेल विमान में किया जाता है। वहीं पर ये 73 किलो न्यूटन से 105 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करने की काबिलियत रखती है। वहीं सेफ्रॉन की कोशिश है कि वह भारतीय पीटीसी कंपनी के साथ मिलकर इस इंजन की ताकतों में और इजाफा करे। किसी भी फाइटर जेट का इंजन उसका बैकबोन होता है। यदि इंजन के थ्रस्ट को बढ़ा दिया जाए तो उसके फ्लाइट एल्टीट्यूड में तो इजाफा होगा ही, साथ ही साथ लंबे समय तक हवा में भी तैनात रह सकता है। अभी इन्हीं दोनों पहलुओं पर सेफ्रॉन भारत की पीटीसी कंपनी के साथ मिलकर काम करने वाली है। उधर दोस्तों, भारत का अंतिम राफेल फाइटर विमान इसी महीने दिसंबर के अंत तक भारत पहुंचने वाला है। पहले से भारत में मौजूद राफेल फाइटर विमानों की तुलना में ये 36वां फाइटर विमान काफी ताकतवर बनाया गया है। वहीं इसकी तकनीकी में भी बदलाव किया गया है। कहा जा रहा है कि इसमें उपयोग होने वाले इंजन में भी कई चेंजेस किए गए हैं। राफेल विमान कितना घातक है इसका अंदाजा तो चीन को पहले ही लग चुका है। दरअसल गलवान झड़प के बाद लगातार चीन भारत पर एग्रेसिव हो रहा था, तभी भारत ने राफेल विमान की तैनाती लद्दाख क्षेत्र में की थी। यह जमीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमान वाहक पोस्ट से उड़ान भरने में भी सक्षम है और इसकी बड़ी खासियत यह है कि यह इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर यह रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। राफेल में बैठे पायलट द्वारा दुश्मन की लोकेशन को देखकर बटन दबा देने के बाद बाकी का काम इसमें लगे कंप्यूटर करते हैं। वहीं पर केवल 1312 किलोमीटर के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में भी यह सक्षम है। राफेल 36,000 फुट से लेकर 60,000 फुट तक उड़ान भरने में भी सक्षम है, जो कि महज एक मिनट में ही 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत तैयार किए गए स्वदेशी INS विक्रांत की तरफ से आ रही है। दरअसल INS विक्रांत पूर्ण रूप से स्वदेशी युद्धपोत है। इस युद्धपोत पर भारतीय नौसेना कई फाइटर जेट को तैनात करने वाली है। वहीं INS विक्रांत के सभी समुद्री ट्रायल के परीक्षण भी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी फाइटर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ से जुड़े परीक्षण करने बाकी रह गए हैं। अब इसी को लेकर नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने कई अहम जानकारियां साझा की है। हरि कुमार के अनुसार INS विक्रांत अगले साल 2023 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। वहीं उन्होंने बताया है कि 2023 मई जून तक INS विक्रांत पर एयरक्राफ्ट से जुड़े भी सभी परीक्षण पूरे कर लिए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक INS विक्रांत पर फाइटर जेट के परीक्षण न किए जाने के पीछे कई बड़ी वजह है। जब विक्रांत के निर्माण पर काम शुरू किया गया था, उस वक्त इसके AFC यानी कि एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स मिग फाइटर प्लेन के लिहाज से तैयार किया गया था। MiG-29 रूस में बने फाइटर प्लेन है, जो कि हाल के वर्षों में अपने क्रैश को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। इसीलिए नेवी अगले कुछ सालों में अपने बेड़े से मिग विमानों को पूरी तरह से हटाने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन नेवी ने 2009 से 2017 के दौरान रूस से करीब $2 अरब यानी कि करीब 16,000 करोड़ रुपए में 45 MiG-29 फाइटर जेट खरीदे थे। लेकिन इन फाइटर प्लेन के टर्बोफैन इंजन में काफी समस्या देखने को मिली है, ये अचानक से बंद हो जाते हैं। वहीं पर जहाज के डेक पर लैंडिंग करने के बाद इन फाइटर प्लेन के कुछ ऑनबोर्न कंपोनेंट को नुकसान पहुंचता है, जिससे उसमें फिर से रिपेयरिंग करने की जरूरत पड़ती है। वहीं फ्रांस भारत के समुद्र इतिहास में निर्मित अब तक के सबसे बड़े जहाज पर फाइटर जेट की तैनाती के लिए अपने राफेल M फाइटर विमान को भारतीय नेवी को सौंपना चाह रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही फ्रांस के मंत्री सेबेस्टियन ने भारत से कहा है कि फ्रांस की नौसेना न्यूक्लियर विमान वाहक युद्धपोत चार्ल्स डी गॉल पर काफी अरसे से राफेल M का इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए भारत को राफेल M को अपने INS विक्रांत पर तैनात करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारतीय INS विक्रांत को देखकर कहा है कि भारत अब उन 5 देशों की फ्लीट में शामिल हो गया है जिन्होंने अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से बिना किसी देश के सहारे के युद्धपोत का निर्माण किया है। और अगर भारत अपने इस युद्धपोत पर F-18 सुपर हॉर्नेट की तैनाती करता है तो भारत आसानी से समुद्री खतरों से लड़ने में सक्षम हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, फ्रांस और अमेरिका में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है। फ्रांस की कोशिश है कि वह राफेल M को भारत को सौंपे। वहीं पर अमेरिका चाहता है कि भारत F-18 को अपने फ्लीट में शामिल करे। जो भी हो, नेवी ने ये साफ कर दिया है कि मई जून तक वो फाइनल कर लेगा कि भारत कौन से फाइटर जेट के साथ जाने वाली है। वैसे आपके हिसाब से भारत को किस फाइटर जेट को चुनना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।